ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई शुगर से परेशान, कोई बीपी, कैंसर, लीवर, दर्द से। अगर आप परेशान हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पीपल का एक पत्ता लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर की जो भी बीमारी होगी ना, धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस उपाय को कैसे करना है बहुत ही प्यार से बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। जो हमें कौन कौन सी जिसकी ज़रूरत होगी, सबसे पहले आप ये समझ लें, उसके बाद उपाय बताता हूँ। स्क्रीन पर आपको पीपल के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं, हमें मात्र एक पीपल का पत्ता चाहिए होगा, ठीक है। एक पीपल का पत्ता लेना, साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? आपको 3 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन वो बेलपत्र बहुत ही प्यारी होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। ले लिया 3 बेलपत्र। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से शमी के पत्तों की, क्योंकि भैया कितने शमी के पत्ते, तो आपको 11 शमी के पत्तों की ज़रूरत होगी। 11 शमी के पत्ते, 3 बेलपत्र और 1 पीपल का पत्ता, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को सुनिएगा। इस तरीके से आपको एक लेना होगा तांबे का लोटा, ठीक है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से भरना होगा जल, और जो मैंने इसमें आपको 3 बेलपत्र दिखाए और जो मैंने 1 पीपल का पत्ता दिखाया, सिर्फ वही आपको डालना है। शमी का पत्र इसके अंदर आपको नहीं डालना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर दिया इतना काम, उसके बाद इस कलश को लेके कहाँ चले जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक। वहाँ पर ले जाकर के उस कलश को चढ़ाना नहीं है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, आपको बस वहीं महादेव के शिवलिंग के पास में रख देना है, ठीक है। अब जो आपके हाथ में 11 शमी के पत्ते हैं ना, उस 11 शमी के पत्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी कलश को एक बार टच कराना होगा, एक बार छुआने के बाद, और पूरा का पूरा पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना काम कर लिया, उसके बाद इस जल को नहीं चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के पास, यहीं पर खड़े होकर के महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, दवा ही हमेशा खाता है, डॉक्टर बहुत परेशान कर दिए हैं, तो आप इस तरीके से कुछ कामना करना अपने हिसाब से। उसके बाद इस कलश को उठाना और उस व्यक्ति के कमरे में लेके चले जाना जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये बीमार व्यक्ति का कोई कमरा है, तो इसी कमरे में कहीं पर भी उस कलश को पूरी रात आप रखा रहने दें। रखा रहने के बाद जब आप अगले दिन सुबह सो करके उठें, तो अगले दिन सुबह में, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम मिला करके वह जल जो कलश में आपने बीमार व्यक्ति के कमरे में रखा है, यहाँ से उठाने के बाद वह व्यक्ति को सुबह, दोपहर, शाम थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पिला देना। उसकी जो भी बीमारी होगी, जो भी तकलीफ होगी उसके शरीर की ना, धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करिएगा इस उपाय को महीने की 10वीं तिथि के दिन करिएगा। वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10वीं तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो इसका एक अलग महत्व माना जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा उपाय था, बस समझने वाली बात है। बस आपको जो शमी के पत्र होंगे ना, वो कलश के अंदर नहीं डालने हैं, बाकी जो उपाय है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट में पूछ लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।